तो गाइस वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फिलहाल मैं अभी हूँ आज रूम पर, होटल रूम। जैसे मैंने आपको बताया पिछले व्लॉग में कि हम राजस्थान में आए हुए हैं, तो दो तीन दिन से रूम पर ही रहते हैं। पहले आगे वाले रूम पे थे, अभी चेंज कर दिया था दो दिन पहले। अभी इधर राजस्थान की तरफ आ गए थे, तो फिलहाल अभी यहाँ ले लिया है। और अभी मैं सुबह के बज चुके हैं 6 और मैं सो के उठ चुका हूँ। फिलहाल ये सब है, अभी नहा धोते हैं और फिर हमें बाहर जाना भी है कहीं। तो गाइस नहा धो के ऑल सेट, और फिलहाल अभी जैसे कि देखा था होटल में स्टे कर रहे थे, दो दिन से होटल में ही थे फिलहाल। अभी तो अभी बाहर जाने का प्लान बना है और ब्रेकफास्ट भी नहीं करा। पहले ब्रेकफास्ट करेंगे बाहर जाके और फिर कहीं देखेंगे, क्योंकि जयपुर में बहुत अच्छी अच्छी जगह घूमने की तो हमने प्लान कर रखा है सब लोगों ने कि जयपुर में मतलब अच्छी अच्छी जगह घूमेंगे और आपको भी दिखाएंगे व्लॉग में। तो अभी जैसे कि मुझे ब्रेकफास्ट करना है, क्योंकि अभी हम उठे थे सुबह, मॉर्निंग में उठते ही नहाना धोना करा और रूम को अभी चेकआउट नहीं किया। चेकआउट आके करेंगे, पहले ब्रेकफास्ट नीचे करने जाते हैं, ब्रेकफास्ट करके आते हैं और फिर वहीं से मतलब चले जाएंगे ब्रेकफास्ट करके, वहाँ से सीधे चले जाएंगे घूम के। फिर जो भी शाम को होगा, शाम को आएंगे मेबी, तो जितना भी टाइम लगता है उसके बाद यहाँ पर आएंगे, फिर चेकआउट करके फिर जाएंगे दिल्ली घर। तो फिलहाल सब ऑल सेट हो गए, मैं भी नहा धो के ऑल सेट, ये मैंने एज यूजल दोबारा शर्ट डाल ली एंड वाइट जूते जीन्स, और ये भाई का अपना हेयर स्टाइल सिंपल वाला। तो फिलहाल चलते हैं, बैग अपना ये रहा, देखो क्या हालत करी है ना रूम की, इतना बड़ा रूम था इन्हें ये हालत कर रखी है। फिलहाल होटल से बाहर आ चुके हैं, ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं, देख रहे हैं नियरी शॉप होगी, क्योंकि इनका तो मैंने ब्रेकफास्ट का तो रख ही नहीं रखा, मतलब पराठे कह रहे थे, वो मुझे पसंद नहीं है। तो अभी कुछ देख अपनी मनपसंद का खाने जा रहे हैं बाहर होटल से, तो चलते हैं। तो फिलहाल अभी आ चुके हैं ब्रेकफास्ट करने रेस्टोरेंट में, ये नियर ही मतलब एक शॉप थी। तो अपना ब्रेकफास्ट में आज कड़ी समोसा, देखो यूजली आपने देखा होगा आलू की सब्जी और समोसा मिलता होगा, छोले समोसा भी देखा होगा, बट कड़ी समोसा नहीं देखा आपने आज। तो हमारा ब्रेकफास्ट हो रहा है कड़ी समोसे से और एक लस्सी। तो ये भोला भाई एंड ये दोनों, ये खाने बिजी है, देख ये भी, इनके भी साथ लस्सी है अपने साथ, तेरी हमारा कूलर, हाँ इनका कूलर वाली लस्सी, और सेम मेरे साथ ही भी है। तो फिलहाल यहाँ से खा के और फिर जाएंगे यहाँ पर मेट्रो में। भाई राजस्थान की मेट्रो देखो कैसी है, अभी हम राजस्थान के प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए हैं और कुछ मतलब दिल्ली की तरह पूरा मतलब मेट्रो स्टेशन है राजस्थान में। ये राजस्थान की मेट्रो अलग ही है, कुछ बड़ी चौपाल करके लिखा हुआ है जयपुर मेट्रो ये लिखी हुई। और ये हमारे भाई लोग सब, तो आज ट्रेवल करते हैं जयपुर मेट्रो में, आपके सफ़र की हम सफ़र जयपुर मेट्रो। फिलहाल ये है जयपुर की मेट्रो, ये इसका मतलब पिंक लाइन है जो हमें जाना है। अभी बड़ी चौपाल जाना है हमें इस वाले स्टैंड पर जहाँ पर हवा महल है, तो अभी हमने यहीं से ये वाली पिंक लाइन ली है। तो ऑलमोस्ट लोग मेरे बैठ चुके हैं दोस्त एंड मैं इधर ट्रैवल इन जयपुर मेट्रो। दिल्ली में तो आपने देखा ही होगा, मतलब जो हम फर्स्ट बॉक्स मतलब डिब्बे में चढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है मतलब फर्स्ट डिब्बा लेडीज़ का होता है। तो और यहाँ पर जो मैंने देखा यहाँ जयपुर मेट्रो में फर्स्ट डिब्बा बॉयज़ का है। तो देखो ये इधर से मतलब पायलट की है जो मतलब ड्राइव करते हैं, तो मतलब ये बहुत अच्छा है, काफ़ी अलग थोड़ा सा चेंज है मेट्रो में, बाकी तो वैसी है बिल्कुल सेम। और मेट्रो का टाइम है यहाँ पर 5 बजे तक लास्ट चलती है, सुबह मॉर्निंग से लेके 5 बजे तक, ओनली 5 बजे तक हमारी क्या चलती है, हमारी रात को 12 बजे तक चलती है, 11:30 तक लास्ट चलती है 11:30 तक, मगर यहाँ पर 5 मतलब 5 बजे ही बंद हो जाती है मेट्रो राजस्थान में, क्योंकि जो ट्रैवल करते हैं लोग वो मतलब मॉर्निंग में ही और मॉर्निंग में 5 बजे तक ही करते हैं, उनका सब बिजनेस मैन वगैरह सब लोग वैसे ऑफिस वर्क जो सारा होता है 5 बजे तक ही होता है, यूजली हर जगह 5 बजे तक होता है। तो यहाँ पर भी सेम यही है, तो यहाँ पर मेट्रो का टाइम 5 बजे तक है। तो गाइज अभी हम फिलहाल हम आ गए हैं बड़ी चौपाल, ये बड़ी चौपाल है हवा महल के जस्ट सामने, क्योंकि जो हम अभी हमने जो मेट्रो रेलवे है उसकी जयपुर रेलवे से मतलब मेट्रो की ली थी, जयपुर मेट्रो से ही ली थी, वहीं से जयपुर रेलवे थी ना उसके जस्ट बराबर में जयपुर मेट्रो थी। तो जयपुर जस्ट जयपुर से हमने यहाँ पर बड़ी चौपाल के लिए यहाँ पर हवा महल के लिए मतलब मेट्रो वो मतलब आ गए थे मेट्रो के अंदर ये, और हवा महल पास में ही था, हवा महल का जयपुर से हवा महल का 12 रुपये का फेयर लगा ओनली 12 रुपीज़ का। तो हवा महल तो ये ना
थोड़ा सा दिख पा रहा होगा, तो ये हवा महल है। तो अभी मतलब भैया बोल रहे हैं कि इधर से जाना होगा, इसका मेन गेट अंदर है और देखते हैं अंदर। अब इधर से जाके फिलहाल ये हवा महल है, बड़ी चौपाल मेट्रो स्टेशन के जस्ट सामने है। ये बाहर का हवा महल है, मतलब बाहर से कुछ ऐसा है जो मतलब आप हवा महल देखते होगे फोटो, इसका ही आता है हवा महल। अभी हमने अंदर एंट्री नहीं की, अंदर का देखेंगे, अंदर क्या है एक्सप्लोर करेंगे अंदर। फिलहाल तो अभी हवा महल के पास खड़ा हूँ मैं जयपुर, और धूप तो काफ़ी हो ही रही है रोज़ की तरह। तो फिलहाल ये इस टाइप का यहाँ पर हवा महल, पीछे से ऑलमोस्ट लोग फोटो खिंचवा रहे हैं और बहुत ज़्यादा नॉइज़ भी आ रहा है। फिलहाल अभी अंदर जाने का प्लान है। गाइज अभी फिलहाल हम आ गए हैं अच्छे ग्रीन सिटी से होके, ये आम जीप सफारी की शुरुआत। हाँ भैया अभी हम जस्ट आपका कहाँ खड़े हैं? अभी हम खड़े हैं आमेर मेल के जस्ट मेन सामने। हाँ तो जहाँ से जीप सफारी की शुरुआत होती है, यहाँ से लोग अपनी गाड़ी गाड़ी करके जीप सफारी ही करते हैं। यहाँ से लोग भैया फेमस जीप सफारी एलिफेंट सफारी। एलिफेंट सफारी तो ये भैया की हमने जीप कर लिया, तो ये भैया हमें एक्सप्लोर कराएंगे सारे शहर। ठीक है, तो इनके साथ करते हैं अपनी जर्नी स्टार्ट और बैठते हैं। फिलहाल अभी हम अपनी जीप में बैठ चुके हैं, तो ये अपनी जीप है, जीप हमने पूरी मतलब बुक कर ली थी। तो ये फिलहाल ये फ्रेंड्स लोग फिलहाल अभी चलते हैं और देखते हैं आगे का। आमेर मेल देखने जा रहे हैं, ये राजा की फैमिली के लिए, और जो नहर जेगर फोर्ट है वो है राजा की आर्मी बेस था, और उसके आगे नारगढ़ फोर्ट वो है राजा के एंजॉय के लिए था जो नहर। तो गाइस अभी फिलहाल अभी एक डेस्टिनेशन, फर्स्ट डेस्टिनेशन थी ये राजस्थान में जो हम आए थे। पहले फर्स्ट डेस्टिनेशन तो हमारी वो थी हवा महल, और सेकंड हमारी ये है जो ये कुंड है, कुछ इस टाइप का कुंड है। ये काफ़ी अंदर है भाई, बहुत गहरा है। स्टेयर से मतलब अंदर जाना अलाउड नहीं है, स्टेयर उतरना भी अलाउड नहीं है, मगर बाकी ये कुछ इस टाइप का है जो अक्षय कुमार जी इसमें मतलब मूवी में अपने कुंड में कपड़े धो रहे थे, वो ये वाला कुंड है जिसमें जो मूवी की शूटिंग हुई थी। फिलहाल कुछ इस टाइप का है, राजस्थान में भी कुछ इस टाइप का व्यू है, फुल पहाड़ों वालों का, पहाड़ों से लेकर ऐसे। तो अभी सेकेंड डेस्टिनेशन पर है, हमने अपनी जीप कर ली थी जैसे कि देख लिया होगा व्लॉग में आपने, तो जीप में ही हम मतलब ट्रेवल करते हुए आ रहे हैं। वो जीप में हमें मतलब 5-6 जगह घुमाएंगे, तो सेकंड ही है और थर्ड पे जाएंगे अभी, देखते हैं आगे। बाकी वो फोटोशूट चल रहा है कुछ इस टाइप का, ज़्यादा बड़ा नहीं है मगर बाकी यूनिक बहुत है। स्टेयर काफ़ी पता नहीं अलग ही अलग टाइप के हैं। पानी अब भी है इसके अंदर, मछलियाँ वगैरह हैं देख सकते हैं आप, बहुत डीपली मछलियाँ वगैरह हैं। एक मछली भी आई थी वो रही, एक आई दोबारा आई, ये आ रही, काफ़ी मछलियाँ हैं इसमें। फिलहाल अभी थर्ड प्लेस के लिए रेडी हो गए हैं अपनी कैब में आकर, अपनी थार में, सॉरी थार है हमारी कुछ इस टाइप की। इसके अंदर हम सफारी कर रहे हैं सफ़र कर रहे हैं इसके अंदर, तो ये भैया बता रहे हैं। तो फिलहाल अभी देखते हैं थर्ड डेस्टिनेशन में जाने हैं। अभी काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा डेस्टिनेशन है, तो पहले अभी थर्ड है तो थर्ड कर घूम लेते हैं, फिर फोर्थ मतलब ऐसे व्लॉग में दिख जाएगा। आज के व्लॉग में यही सब है, मतलब राजस्थान में घूमना, एक्सप्लोर करना थोड़ा सा। तो फिलहाल धूप भी काफ़ी हो रही है, तो तुम्हारे आप सबके लिए मैं व्लॉग की मतलब व्लॉग बना रहा हूँ। तो चलते हैं राजस्थान की गलियों में से हम जा रहे हैं एक्सप्लोर करते करते। तो राजस्थान में कोई गांव है उसके अंदर से एक मतलब प्लेसेस बने हुए हैं, जब भी हम वहाँ घूम के आए हैं, जहाँ अभी हम वहाँ से आए थे अक्षय कुमार की जो भूल भुलैया की मूवी जो शूटिंग हुई थी उधर से आए हैं डेस्टिनेशन से। अब थर्ड डेस्टिनेशन में जा रहे हैं और ये कुछ इस टाइप का गाँव है, भैया बताएंगे अभी थर्ड डेस्टिनेशन में। बताइए भैया। यह है भैया मेरा भाई का और कृष्ण का टेम्पल। हाँ। जो वर्ल्ड में इकलौता मंदिर बना हुआ है। ओके। ये बहुत समय से बना हुआ, मतलब राजा की जो फैमिली रहा करती थी उससे पहले का बना हुआ है। अच्छा, हम सेकंड पार्ट में विजिट करेंगे, अभी आप जाके अंदर विजिट करके आइए, फिर अपन आगे तक चलेंगे। ओके। तो फिलहाल अभी थर्ड डेस्टिनेशन पर आए हैं, जो भैया ने जैसे बताया कि भैया थोड़ा कन्विंस कर रहे हैं, तो फिलहाल अभी इसके अंदर चलते हैं, टेम्पल है तो फिर इसके अंदर विजिट करते हैं। तो ये मेरे बैक साइड कुआं दिखा, बहुत गहरा है और बहुत बड़ा भी है। माय गॉड कितना गहरा है, आवाज़ भी गूंज रही है, पानी भी अब भी पानी है इसके अंदर, आवाज़ भी गूंज रही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो चलते हैं स्टेयर से, ये भी स्टेयर है एंड मेन स्टेयर ही है। फिलहाल कुछ इस टाइप का टेंपल है, ये टेंपल तो काफ़ी मतलब अच्छा, मतलब बहुत पुराना ओल्ड टेंपल है। क्या अजय पहले पहुँच गया दर्शन करने, तो पहले अपना
शूज मैं भी उतार लेता हूँ सेम। हाँ तो चलते हैं ऊपर, मंदिर है इसमें जाल लगा रखा है। ओह माय गॉड कुछ इस टाइप का है, काफ़ी ओल्ड है, काफ़ी ओल्ड जो बोलते हैं जिसको वो मंदिर है। मंदिर में दर्शन करते करके मैं बाहर जा रहा हूँ और ये मंदिर 450 साल पुराना है, 450 साल। माई गॉड अब भी बिल्कुल बिल्कुल सेम ऐसे, कुछ कुछ भी नहीं बिगड़ा, पुराने टाइम का पत्थरों का ही पत्थरों का पूरा मंदिर बना हुआ है और कुछ इस टाइप का ऊपर से व्यू है। ये मज़ा बहुत आ रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, एक्सप्लोर हो रही है पूरी राजस्थान, काफ़ी मज़ा आ रहा है। कैब वाले भैया हमें करते रहे हैं एक्सप्लोर इसको। ये देखो अभी हम ऊपर भी जाएंगे पर नीचे से आते जा रहे हैं, तो कुछ इस टाइप का ही है। तो चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन। 450 साल पुराना मंदिर, वो भी पत्थरों से बना रखा, क्या भाई क्या मतलब पत्थरों का मतलब डिजाइन बना रखा जिसने ही बनाया होगा भाई, काफ़ी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी होगी पहले टाइम में। तो पहले तो इतना अपग्रेड भी नहीं था इंडिया, बाकी 450 ईयर भाई कितना ज़्यादा पुराना मंदिर है। फर्स्ट टाइम लाइफ में पहली इस मंदिर में मैंने एंट्री की है जो इतना पुराना मंदिर है। इधर गांव वाले रहते हैं राजस्थान के जो मंदिर के नियर ही रहते हैं। इसमें बिगड़ने वाला तो कुछ है नहीं क्योंकि सीमेंट है नहीं, सारा ऑलमोस्ट पत्थर है जो भी मार्बल पर काम किया गया है, मार्बल एंड पटिया जो बड़े बड़े पत्थर होते थे पहाड़ों के उन्हीं से ही उनको ही मतलब कटिंग करके उनमें डिजाइन लगा के, बहुत ही पुराने डिजाइन है, बहुत मतलब डिजाइन काफ़ी बहुत मतलब डीपली है, जैसे देख सकते हैं क्या डीपली मूर्ति बना रखी है गॉड की, ये कितना डीपली वर्क कर रखा है इसमें। एंड ये जो मतलब एंट्री कर रखा है ये भी बहुत डीपली है,